हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन बटन उसको भी प्रेस कर देना ताकि आपके नोटिफिकेशन ऑन हो जाएं तो आज है संडे मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो आज का वीडियो है एक नोटिफिकेशन वेकेंसी अलर्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ चलते हैं वीडियो की तरफ तो गाइज़ ये है एडवर्टीज़मेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम डी एच आसाम गवर्नमेंट ने एडवर्टीजमेंट निकाला है ग्रेड थ्री पोस्ट टेक्निकल पोस्ट के लिए तो काफ़ी सारे पोस्ट हैं इसमें जो कि आपको रिक्रूटमेंट के लिए इन्होंने पोस्ट निकाली हैं डेट ऑफ़ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके टेंथ ऑफ सितंबर से तो स्टार्ट हो चुके हैं गाइस और लास्ट डेट है आपकी ट्वेंटी फोर सेप्टेम्बर चौबीस सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की हुई है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डी एच एस डॉट आसाम डॉट गवर्नमेंट डॉट इन आप यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं तो गायज़ यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि ग्रेड थ्री पोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टेन नंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तीन सब डिविजनल हॉस्पिटल्स के लिए इन्हें पोस्ट वेकेंसी निकाली है नेम ऑफ़ द पोस्ट की बात करते हैं हम चलते हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए पोस्ट निकाली हुई हैं जिसकी जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है मैं यहाँ पे मेन फोकस करना चाहूँगी स्टाफ नर्सिस की वैकेंसी से रिलेटेड जो कि पोस्ट निकाले इन्होंने फोर तो टोटल टो टो नंबर ऑफ़ पोस्ट है हाँ दोस्तों फोर पोस्ट हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही जी डिप्लोमा या फिर बी नर्सिंग डिग्री किसी भी रिकोगनाइज आई एन साइट से और रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर एम्स नर्सेज मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विस्टर काउंसिल तो ग्रेड पे वो ऑफर करें आपको सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड का ग्रेड पे है बाकी और भी पोस्ट हैं गाइस जैसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन ब्लड बैंक टेक्नीशियन एंड ड्रेसर ऑल्सो तो आप यहाँ पे साइट पर आ, मैंने साइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है और आप जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फ़िल करेंगे उसका भी मेंशन मैंने किया हुआ है रिजर्वेशन की बात करते हैं तो वही जो नॉर्मल अप्लाई होता है एससी और एसटी के लिए ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन है एज आपकी 18 से कम नहीं होनी चाहिए एंड शुड नॉट बी अबव फोर्टी इयर्स इन्होंने फर्स्ट जनवरी से फर्स्ट uh, जनवरी तक आपकी एज फोर्टी से अबव नहीं होनी चाहिए अपर एज एज लिमिट का रिलैक्सेशन इन्होंने तीन साल ओबीसी के लिए और पाँच साल एस सी को पब्लिश दिया है फीस गाइस कोई भी फीस रिक्वायर्ड नहीं है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कोई फीस नहीं देनी है बाकी आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन और पूरा नोटिफिकेशन का लेटर पूरा आप पढ़ सकते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं तो हम मूव करेंगे ऊपर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर लिस्ट है जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त जो आप हैंड रख सकते हैं तो हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की क्या एग्ज़ाम होगा उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होना है तो ओ एम आर बेस्ड रिटर्न टेस्ट होगा गायस हंड्रेड मार्क्स का जिसमें कि अगर हम आप ब्रेक करते हैं तो सेवेंटी फाइव मार्क्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर हमारा स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है तो नर्सिंग से रिलेटेड सेवेंटी फाइव मार्क्स का आएगा फिफ्टीन मार्क्स इंग्लिश के लिए और टेन मार्क्स जनरल नॉलेज के लिए इसके बाद हंड्रेड मार्क्स के बेसिस अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका स्किल टेस्ट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ट्वेंटी मार्क्स का जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो आपकी वन ट्वेंटी फाइव मार्क्स को लेकर बनेगी तो गैस मैं पहले भी बोल रही हूँ कि आपको फॉर्म फिल करते वक्त सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है आप इनका रिक्रूटमेंट नोटिस ये इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और फॉर्म फिल करने से पहले भी आप इसको सारा क्राइटेरिया पड़ता है आपका ध्यान एक पॉइंट और है जिसकी तरफ लेना चाहूंगी वेटेज ऑफ फॉर सर्विस अंडर एनएचएम जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर जो काम कर रहे हैं जैसे इसमें लिखा है मेनी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉज आर वर्किंग अंडर एनएचएम एज नर्सेज पैरामेडिक्स एटसेट्रा दे मे बी गिवन वेटेज ऑफ टू मार्क्स पर ईयर ऑफ सर्विस अगर आपका एक साल आपने सर्विस किया हुआ तो दो मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आपने दो साल किया हुआ तो आपको चार मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे तो कंप्लीटेड अंडर एन एच एम सब्जेक्ट वे मैक्मऑफ ट्वेंटी मार्क्स सो दैट दे कैन बी गिवन सूटेबल एंड जस्टिफाइड प्रेफरेंस के लिए तो so, गाइज़ आगे नोटिस में जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए रिलेटेड टू योर जॉब रिलेटेड टू द पोस्ट और आपको अपियर होना ऑल सीरीज ऑफ रिक्रूटमेंट में आप इन सारे पॉइंट्स को गो थ्रू कर सकते हैं तो गायस ये था ऑफिशियल ना नोटिफिकेशन जो कि डी एच असम गवर्नमेंट ने निकाला है अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं या फिर इनके साइट पर चेक कर सकते हैं तो गायज़ आज का वीडियो यहीं तक हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे को तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए मेरे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और गायज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं गायज जल्दी से आप में थाउजेंड सब्सक्राइबर करा दीजिए एंड थाउजेंड फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम फिर उसके बाद हमें गिव अवे अलर्ट मैं आपको अनाउंस करूँगी तो प्लीज़ गायज़ गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आज का वीडियो यहीं तक नेक्स्ट संडे को मिलेंगे तब तक के लिए सुनारा सलाम नमस्ते